उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बचत भवन के सभागार में आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल शाखा द्वारा जिला शिमला के विभागीय प्रमुखों के लिए आयोजित एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस अवसर पर आदित्य नेगी ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो की मानकीकरण एवं प्रमाण योजना उपभोक्ताओं और उद्योगों को लाभ पहुँचाने के साथ साथ उत्पाद सुरक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में कार्य करती है। आदित्य नेगी ने आम जनमानस को अपने घरों में रखे पुराने गहनों का हॉलमार्क कराने की भी अपील की। आदित्य नेगी ने कहा कि एक दिवसीय कार्यशाला में शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों को इस कार्यशाला के माध्यम से जागरूक किया गया। आज बचत भवन में हमने एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की थी। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत जो है सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप करी गई थी। इसमें हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आए थे, जिसमें हमारे शिक्षा विभाग से, पीडब्ल्यूडी विभाग से, पुलिस विभाग से और इस तरह जो और भी दूसरे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी विभागों से लोग आए थे। तो इसमें बेसिकली हमने जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो काम करता है, जो क्रियाकलाप वो करते हैं, उसके बारे में जो है लोगों को जागरूक किया। उसमें जैसे हर चीज के लिए जो है एक इंडियन स्टैंडर्ड बनाया गया है, जैसे पानी के बॉटल्स के लिए बनाया गया है, सीमेंट के लिए बनाया गया है और ऐसे रोजमर्रा की जो उपयोग में आने वाली चीजें हैं, तो उनके रिगार्डिंग उनके स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए गए हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स के बारे में अवेयर करने के लिए और उसके अलावा भी कैसे कोई चीज जो है कि स्टैंडर्ड की है या नहीं है, उन सारी चीजों को के बारे में जो है ये वर्कशॉप आज यहाँ पे आयोजित की गई है।